अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को। जब से उसे बख्तावर के बारे में पता चला है तो वो ऐसी लड़कियों के बारे में आर्टिकल्स ढूंढ ढूंढ कर पढ़ रहा है। बहुत अपसेट हुआ है वो ज़हनी तौर पर। मैं चाहती हूँ कि मुनासिब यही है कि अभी हूरिया को दिलावर की ज़िंदगी में रहने दिया जाए। जब ये सालार वाला मामला ठीक हो जाएगा, उसके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। बख्तावर को दोबारा दिलावर की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं। समझ रहे ना आप मेरी बात? ऐसा ही होता है जब कोई अनयूजुअल केस सामने आता है तो उसे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि किसी की भी किरदार कशी की जा सके। एनीवे, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? सरासर ज्यादती है ये मोहसिन भाई, बख्तावर का कैरेक्टर खराब किया जा रहा है। आई नो, इट्स अनफॉर्चुनेट। औरतों को इस माशरे में बहुत सारे स्कैंडल्स का सामना करना पड़ता है। पहले वो वर्क प्लेस हरेसमेंट थी, अब सोशल मीडिया हरेसमेंट का नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बहरहाल तुम ये बताओ, तुम्हारी बख्तावर से बात हुई? कॉन्टैक्ट किया था उसने मुझे, मैंने बात नहीं की। क्यों? मोहसिन भाई, मुझसे अभी देखिए बात एक्सेप्ट नहीं की जा रही कि उसने इतनी देर मेरे पास काम किया, मुझे अंधेरे में रखा, सच से दूर रखा। उसको ट्रस्ट करना चाहिए था ना मुझे। I understand. बात तो ठीक है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। That's what I expect. All the best. Thank you. बख्तावर आओ बैठो। कैसी हो? आओ आओ बैठो। कुछ लोगी? जूस, चाय? मुझे नहीं पता था कि आपके ऑफिस से कॉल आई है। हाँ, वो मैंने ही बुलाया था। कहाँ रह रही हो आजकल? अपने जानने वाले के घर। ओके, और पहले कहाँ रह रही थी? किराए के मकान में। वहां भी झूठ बोल के रह रही थी? जी, सॉरी, वहां भी बख्तू बन के रह रही थी? अच्छा जाने दो, आई अंडरस्टैंड।